हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमके काजोल्स किचन। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं चिल्ली पनीर, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे हम बहुत ही कम समय में बनाकर तैयार करेंगे और इसे आप नूडल्स के साथ सर्व करेंगे ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है आधा इंच अदरक, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। 2 मीडियम साइज की प्याज, जिसे मैंने इस तरह से काटा है। 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। 2 हरी मिर्च और ये 2 शिमला मिर्च। प्याज और शिमला मिर्च को मैंने इस शेप में काटा है। और यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर यानी कि अरारोट, और 1/2 kg पनीर, जिसे मैंने मोटे पीसेज में कट किया है। यहाँ पे मैंने लिया है पनीर चिल्ली मसाला, शेजवान चटनी, टोमेटो केचप, सोया सॉस, और यहाँ पे मैंने लिए हरी प्याज के पत्ते यानी कि स्प्रिंग ऑनियन। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। सबसे पहले हमें पनीर की कोटिंग कर लेनी है। 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर से हमें इसे हल्के हाथों से इसमें मिक्स कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार हैं। अब हम करेंगे पनीर को फ्राई। कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है, बस सैलो फ्राई करना है। तो अब पनीर को हम इसमें ऐड कर देंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए, यहाँ पे मैंने पनीर ऐड कर दी है, जो मैंने कोट करके रखी थी। पनीर को अगर कम तेल में फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी ये। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं लगता। मुझे इसी तरीके से ज़्यादा पसंद है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये देखिए, हमारी पनीर फ्राई हो चुकी है। अब कढ़ाई में वापस से हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ था। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। सबसे पहले अदरक ऐड किया, इसके बाद मैंने लहसुन ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम हरी मिर्च, प्याज ऐड कर देंगे, और प्याज को थोड़ा सा पकाएंगे, फिर इसमें ऐड कर देंगे हम अपनी शिमला मिर्च। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है। शिमला मिर्च और प्याज को थोड़े मोटे पीस में कट करेंगे इस तरीके से, तभी हमारी चिल्ली पनीर बाहर जैसी दिखेगी। जब प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से पक जाए, तब इसमें ऐड कर देंगे हम सॉस, केचप और शेजवान चटनी। यहाँ पे ये सारी चीजें ऐड कर दी है। मेरे हाथ से कैमरा कवर हो गया था, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। जब प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से पक जाए, तब आप ये सारी चीजें ऐड कर दें। मैंने ये सारी चीजें 2-2 चम्मच ऐड करी है, जैसे की शेजवान चटनी, टोमेटो केचप, सोया सॉस। और ये सारी चीजें ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार, यानी कि 1.5 चम्मच। और जो कॉर्नफ्लोर मैंने लिया था, इसी में मैंने पनीर चिली मसाला ऐड करके इसमें पानी ऐड कर दिया और इसका घोल बना लिया है। 1/2 किलो पनीर के लिए मैंने यहाँ पे 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था, इसी में मैंने पनीर चिली मसाला ऐड करके पानी ऐड कर दिया और इसका घोल बना लिया है। इसका घोल बनाने के बाद हम कढ़ाई में इसे ऐड कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने घोल ऐड कर दिया है। अगर ग्रेवी आपको और चाहिए तो आप इसमें और पानी ऐड कर लें। इसमें 1 उबाल आने के बाद हम इसमें अपनी फ्राई की हुई पनीर ऐड कर देंगे। बस पनीर को अच्छे से मिक्स करके हम इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। नमक हमने पहले ऐड कर दिया, इसलिए अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। पनीर हमारी बनकर तैयार है, इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये लीजिए, हमारी टेस्टी चिल्ली पनीर बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। अब इसे हम गर्मा गर्म नूडल के साथ सर्व करेंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने नूडल्स पहले से बनाकर तैयार कर रखे हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चिल्ली पनीर ज़्यादातर नूडल्स के साथ ही खाई जाती है, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। चिल्ली पनीर के साथ नूडल का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग लगता है, इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे आप पूरी के साथ या नॉर्मल रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये चिल्ली पनीर की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो मिलती हूँ दोस्तों आपसे ऐसी इजी, टेस्टी और क्विक रेसिपीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।